शुरुआत करते हैं खबरों की। बिहार में स्वास्थ्य कर्मियों ने हड़ताल किया है। आपको बता दें कि बिहार लोकल बॉडीज कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने प्रधान सचिव को अल्टीमेटम दिया है, जिसमें 12 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। आपको बता दें कि सफाई कर्मियों की प्रमुख मांगे दैनिक मजदूरों को का नियमितीकरण, और जब तक नियमितीकरण की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती है तब तक समान काम समान वेतन अथवा सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश के आलोक में इन्हें 18,000 और 21,000 प्रतिमा वेतन के रूप में भुगतान किया जाए, ये इनकी मांगे हैं। बिहार में स्थानीय निकायों की सफाई कर्मियां जो हैं वो हड़ताल पर हैं, और बिहार लोकल बॉडीज कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने प्रधान सचिव को अल्टीमेटम दिया है, और इस अल्टीमेटम में 12 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं सफाई कर्मी। और आपको ये भी बता दें कि सफाई कर्मियों की प्रमुख मांगे दैनिक मजदूरी का नियमितीकरण, और जब तक नियमितीकरण की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती है तब तक समान काम समान वेतन अथवा सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश के आलोक में इन्हें 18,000 और 21,000 प्रतिमाह वेतन के रूप में भुगतान किया जाए। नालंदा जिले बिहार शरीफ स्थित मॉडल मध्य विद्यालय में चल रहे शिक्षक नियोजन में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए अभ्यर्थियों ने जमकर हंगामा किया है। दरअसल बिहार शरीफ के मॉडल मध्य विद्यालय और राजकीय कन्या मध्य विद्यालय में 19 प्रखंडों के शिक्षकों का नियोजन किया जा रहा है। भाग लेने आए अभ्यर्थियों का आरोप है कि जो मापदंड होना चाहिए नाम पुकारने का वह नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण गड़बड़ी की आशंका व्यक्त की जा रही है। अभ्यर्थियों ने शिक्षा विभाग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए इस नियोजन को रद्द करने की मांग की है। उन्नीस का शेड्यूल का प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें कि आप देख रहे हैं कि ये जो सिस्टम है, सबसे पहले मैं सिस्टम की बात करूंगा और ये बताऊंगा आप लोग को कि ये जो अभी कोविड चल रहा है, कोविड-19, जिससे पूरी दुनिया प्रभावित है और पूरी दुनिया डर रही है, इसके बावजूद भी बिहार सरकार जो इस तरीके से नियोजन ले रही है, आज जब सारी दुनिया टेक्नोलॉजी अपना रही है, उसके बावजूद भी जो हमारा बिहार सरकार अभी भी बैलगाड़ी की सवारी कर रही है। खगड़िया जिले के महेश खूटू थानाध्यक्ष नीरज कुमार ठाकुर के खिलाफ किन्नरों ने मोर्चा खोल दिया है। इस दौरान किन्नरों ने थाना प्रभारी के खिलाफ मनमानी का आरोप लगाया है और जमकर बवाल काटा है। इस दौरान दर्जनों की संख्या में पहुंचे किन्नरों ने प्रशासन के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाते दिखे। मौके पर पहले से मौजूद गोगरी SDO और SDPO किन्नर से बातचीत कर मामले को शांत कराया। मेरी मांग है वही हमारे पैसा वापस कर दे या जमीन दे, यही मेरी मांग है। पूरा मामला क्या है, पूरा मामला बताइए। मेरा मामला यही है खोटू, जमीन पे हम गरीब इंसान मांग सांग के खाने वाले, 2 रुपया कमाने वाले, हमारे रहने का शरण नहीं था, और उसमें जमीन के लिए हमने उनके पैसे दिए, वो जमीन भी नहीं दे रहा न हमारे पैसे दे, यही हमारी मांग है। बगहा में एक पुलिस इंस्पेक्टर को रोब दिखाना महंगा पड़ गया। वाल्मीकि नगर थाने में तैनात थाना अध्यक्ष अर्जुन कुमार की मौजूदगी में चालक ने एक युवक को थप्पड़ जड़ दिया, जिससे हंगामा हो गया। बताया जा रहा है कि किसी काम से बगहा आए इंस्पेक्टर के सरकारी गाड़ी में टच होने का आरोप लगाकर एक बाइक सवार युवक को चालक ने थप्पड़ जड़ दिया। फिर लोगों ने इंस्पेक्टर और चालक को घेर लिया और उनका विरोध शुरू कर दिया। इंस्पेक्टर के सूचना पर पहुंची पटखोली OP की पुलिस ने पहुंचकर मामले को शांत कराया और माफी मांगने के बाद इंस्पेक्टर और चालक को लोगों ने छोड़ा।
सुपौल जिले के सदर बाजार स्थित एक निजी क्लिनिक में 3 दिनों से इलाजरत एक महिला मरीज की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद क्लिनिक के डॉक्टर ने उसे रेफर कर दिया। वही महिला को दरभंगा ले जाने के दौरान रास्ते में ही मौत हो गई, जिसके बाद कोहराम मच गया। वही इस घटना के बाद आक्रोशित मृतक के परिजनों ने क्लिनिक पर पहुंचकर हंगामा किया। इस दौरान आक्रोशित लोगों ने क्लिनिक में जमकर तोड़फोड़ की। वही मौके पर पहुंची पुलिस ने नाराज लोगों को कार्रवाई करने का भरोसा दिया। जब ज्यादा लड़खड़ा गया, मतलब परसेंट चलने फिरने का लायक नहीं, आवाज नहीं। इस संबंध में अभी अभी जानकारी आप लोग के माध्यम से हमको मिली है। वैसे 15-20 मिनट पहले तो डीओ साहब से कौन ही बोले, तो इस संबंध में हम लोग जल्द ही उसका तहकीकात कर लेंगे, जांच कर लेंगे उसके डिग्री और इत्यादि के संबंध में, और जो फैक्ट होगा उसके बारे में उसके बाद कार्रवाई करेंगे। कटिहार नगर थाना क्षेत्र के 3 गछिया फसिया टोला में महिला बंधन कर्मी ने 75,000 की लूट की वारदात को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि महिला बंधन कर्मी जूही कुमारी फसिया से कलेक्शन कर वापस अपने स्कूटी से जा रही थी। इसी दरमियान घात लगाए 2 अपराधियों ने बंदूक का भय दिखाकर महिला से 75,000 रुपए लूट लिए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। फुलवारी शरीफ में पुलिस के लाख मुस्तैदी के बावजूद भी आसपास के इलाके में साइकिल और बाइक चोरी की वारदात बढ़ती जा रही है। ताजा मामला मित्तल कॉलोनी सेक्टर 2 की है, जहां से बाइक चोरी करते हुए सीसीटीवी कैमरे में चोरों की वारदात कैद हो गई। पहले दोनों चोर आपस में बातचीत करके स्थिति को भांप लेते हैं और फिर बाइक लेकर आराम से चलते बनते हैं। वही इस मामले को लेकर थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। वही दूसरी घटना में फुलवारी शरीफ के ताज नगर में लोगों ने साइकिल चोरी करते हुए चोरों को रंगे हाथों पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। लखीसराय जिले के सूर्यगाड़ा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने भारी मात्रा में हथियार सहित बड़े हथियार सरगना गिरोह को गिरफ्तार किया है। बता दें कि गुप्त सूचना के आधार पर हथियार सहित तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। लखीसराय पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि गिरफ्तार अपराधियों से पूछताछ की जा रही है। उनको स्पोर्ट गाड़ी थी जो बड़ी नंबर का, उसको हम लोगों ने रोक के जो उसकी तलाशी ली गई, तो वहाँ से 4 जो है पिस्टल और उसके साथ 8 उसका मैगजीन, ये उसमें से बरामद हुआ है। उस क्रम में उस गाड़ी में 4 लोग गिरफ्तार हुए। दरभंगा पुलिस प्रशासन को बड़ी कामयाबी मिली है। गुप्त सूचना के आधार पर हुई छापेमारी में एक झोपड़ी से 2 बोरी देशी शराब जब्त किया गया है। कुल 51 बोतल देशी शराब पुलिस ने बरामद किया है। साथ ही झोपड़ी में एक पर्स मिला, जिस पर्स में एक आधार कार्ड और एक पैन कार्ड मिला है। पुलिस प्रशासन आगे की कार्रवाई में जुट गई है। जिस व्यक्ति का झोपड़ी में आधार कार्ड मिला है, उसकी छानबीन में पुलिस जुट गई है। दरभंगा जिले के बिरौल में एक मामले को लेकर दंगा पार्टी में प्रतिनियुक्ति महिला सिपाही के साथ विवाद करना कुछ लोगों को महंगा पड़ गया। इस मामले में पुलिस ने बस स्टैंड से 2 लोगों को गिरफ्तार कर थाने ले आई है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से महिला के साथ हाथीपाई की जा रही है। मौके पर पुलिस मौजूद है और लगातार दोनों को शांत करवाने की कोशिश की जा रही है। अब इस मामले को लेकर पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में ले लिया है और लगातार उनसे इस मामले को लेकर पूछताछ भी की जा रही है। सुपौल के त्रिवेणीगंज थाने में पदस्थापित अवर निरीक्षक
सुदेश्वर प्रसाद सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां से उन्हें बेहतर इलाज के लिए बाहर रेफर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि सदर अस्पताल में समुचित उपचार नहीं होने के बाद तत्काल उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनके केस का रिव्यू था, वो पटना सीआईडी में उनका केस का रिव्यू होना था, उसी में वो जा रहे थे ट्रेन पकड़ने के लिए। बरहड़ी के पास इनकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई, एक आदमी को बचाने के क्रम में इनकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई है, उसी में इनका दाहिना पैर फ्रैक्चर्ड हो चुका है। उसको हम लोग अभी इंद्रानी अस्पताल में लेकर गया है, डॉक्टर विकास बाबू का इलाज किया है और सदर अस्पताल में भी इसका प्राइमरी इलाज हुआ है और ये पटना रिफर होकर के जा रहे हैं। बेगूसराय में वाहन के चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। घटना चेरिया बरियारपुर थाना क्षेत्र के विक्रमपुर की है। मृतक की पहचान विक्रमपुर निवासी सज्जन सिंह के रूप में की गई है। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने मुआवजे की मांग को लेकर सड़क जाम कर दिया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को शांत करवाया। दुकान से राशन लेकर के जा रहा था, इधर से गाड़ी दूसरा से आ रहा था बेगूसराय के लिए, सामना सामने ठोक दिया साइड करके, भाग दिया गाड़ी। कौन गाड़ी थी? ट्रक की या कोई कंटेनर था 10 चक्का वाला। डेहरी डालमिया नगर नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी कुमार ऋत्विक ने नगर परिषद क्षेत्र में बगैर नक्शा स्वीकृति कराए और नियमों के विरुद्ध चल रहे निर्माण कार्य को रोकने को लेकर अभियान चला रखा है। उसी क्रम में कल उनके नेतृत्व में नगर प्रबंधक और नगर परिषद के अन्य कर्मियों ने शहर में चल रहे भवन निर्माण कार्यों का औचक निरीक्षण किया और छापेमारी अभियान चलाया। अभियान में शहर के नागापथ में एक निर्माणाधीन भवन के स्वीकृति नक्शे से अलग हटकर हो रहे निर्माण को रोका। इसी क्रम में नगर परिषद की मुख्य पार्षद विशाखा सिंह के पार्षद पति संजीत कुमार सिंह के आवास पर भी छापेमारी कर भवन निर्माण कार्य पर रोक लगाई गई, जहां पुराने मकान को तोड़कर नव निर्माण कराया जा रहा था। इस कार्रवाई को लेकर मुख्य पार्षद विशाखा सिंह ने कहा है कि नियम सबके लिए बराबर है। जी हाँ, कल नगर परिषद से पूरी टीम गई थी, तो ये चीज़ सही है कि मेरे पति पार्षद संजीत सिंह ये नियम के विरुद्ध काम कर रहे थे, तो नियम और ये जो है सबके लिए एक बराबर है, चाहे वो कोई भी हो, तो इस पे सख्त कार्रवाई होना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे कि बिना नक्शा के भवन निर्माण करना, ये प्रस्ताव हम लोग स्टैंडिंग में और बोर्ड में पारित किए हुए थे और जिसके लिए हम लोग ने डीएम सर से फोर्स मांगे हुए थे, तो हम लोग को फोर्स भी मिले है। तो जो भी कार्य नक्शा बिना करेंगे लोग, तो इस पे हम लोग सख्त कार्रवाई। बिहार में बाढ़ की स्थिति दिन प्रतिदिन गंभीर होती जा रही है। लगातार हो रही बारिश और गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर के कारण जिले के कई प्रखंड क्षेत्र में बाढ़ जैसी स्थिति हो गई है। ये तस्वीर है वैशाली जिले के सहदेई प्रखंड क्षेत्र के गानियारी गांव की, जहां गंगा नदी से सटे हजारों लोगों के इस गांव में पानी ने अपना प्रकोप दिखा दिया है। चारों तरफ जलमग्न दिख रहा ये गांव अपने हाल पर तरस खा रहा है, तो वहीं यहां के ग्रामीण अपनी बदहाली पर यहां से जाने को मजबूर हो गए हैं। यहां के ग्रामीण ऊंचे स्थानों पर शरण लेने के लिए अब जाने लगे हैं। न मुखिया आता है, न सरपंच आता है, न वार्ड कमिश्नर है, कोई भी नहीं है, किसी को मदद नहीं है। खाने के लिए चूड़ा डलबूट कभी खाते हैं, कभी भूखले रहते हैं, नमक रोटी खा के रहते हैं, यही सब स्थिति है। 10 दिन से हमारा तो नैया हुआ है, नहीं दूसरे के नैया है, तो कभी कभी उसको टाइम मिलता है तो ले जाता है, ना तो नहीं ले जाता है, यही सब बात है। मुंगेर के संग्रामपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जल निकासी नहीं होने के कारण सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तालाब में तब्दील हो गया है, जिससे आने जाने वाले रोगियों को भी जल जमाव को पार करना पड़ता है। जल जमाव के कारण स्वास्थ्य केंद्र में ही डॉक्टर से लेकर एम्बुलेंस तक गंदे पानी में रहने को मजबूर है। वहीं जल निकासी नहीं होने के कारण मरीज भी परेशान है। ये जिला मुख्यालय में लिखा गया है कि पानी जब भी भारी बारिश होती है कैंपस में पानी लगता है, इसका निकालने का कोई यहाँ से नाला नहीं है, जब तक नाला का निर्माण नहीं होगा ये पानी इसी तरह बरसात में
बिहार में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदला है। राजधानी पटना समेत सूबे के कई जिलों में बारिश हो रही है। पिछले 24 घंटों में पश्चिमी और मध्य बिहार में कई जगहों पर भारी बारिश हुई है। तेज बारिश और वज्रपात को लेकर मौसम विभाग ने नया अलर्ट जारी किया है। अगले 24 घंटे में मौसम की स्थिति को देखते हुए 12 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार में 1-2 स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। अब रुख करते हैं झारखंड की खबरों का। टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने के बाद आपको बता दें कि मुकाबले गंवाया है, लेकिन कांस्य ओलंपिक सफर खत्म करने वाली भारतीय महिला हॉकी टीम ने हार कर भी दिल जीत लिया है और खूब तारीफें बटोरी है। इस कामयाबी के बाद स्वदेश और गृह राज्य लौटने के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भारतीय हॉकी टीम का स्वागत किया और हिस्सा रही सलीमा टेटे और निक्की प्रधान को सम्मानित करते हुए 50-50 लाख रुपए का चेक सौंपा। रांची हवाई अड्डे पर दोनों खिलाड़ी टेटे और प्रधान का जोरदार स्वागत किया गया। सरायकेला जिला राजनगर प्रखंड के जवाहरलाल नवोदय विद्यालय में भर्ती हेतु पांचवी पास विद्यार्थियों ने प्रवेश परीक्षा दी। बता दें कि राजनगर प्रखंड में कुल 3 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, जिसमें हजारों छात्र छात्राओं ने परीक्षा दी। वहीं कई विद्यार्थी अनुपस्थित भी रहे। वहीं बनकटी मध्य विद्यालय में कुल 143 विद्यार्थियों ने नामांकन कराया था, जिसमें 102 उपस्थित हुए, जिसमें कुल छात्र 46 और छात्राएं उपस्थित हुई, बाकी 41 विद्यार्थी अनुपस्थित थे। वही परीक्षा केंद्र में कोविड-19 के आदेशों का पालन करते हुए मास्क, हाथों में सैनिटाइजर और थर्मल स्क्रीनिंग करते हुए विद्यार्थियों को विद्यालय में प्रवेश कराया गया। तो कोविड-19 को देखते हुए अभी सारा चीज़ का उपाय किया गया है। बच्चों को जिस तरह से सुरक्षित रहे उसी को ध्यान दिया गया है। और जैसे कि आप देख रहे हैं, अभी एक एक करके बच्चों सबको घुसाया जा रहा है। अभी 11:30 बजे से एग्ज़ाम होनी है, तो सब चीज़ का बाकी ध्यान दिया गया है। यहाँ पर कोविड-19 को देखते हुए सैनिटाइज़र या थर्मल स्क्रीनिंग पहले गेट पर ही कराया जा रहा है और अंदर भी सैनिटाइज़र का व्यवस्था की गई है और बच्चे को एक रो एक बेंच में एक ही बैठाया जा रहा है। चतरा पुलिस ने शराब तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल शराब तस्करों के विरुद्ध चलाए गए अभियान में पुलिस ने पिकअप वैन से 275 पेटी विदेशी और 45 पेटी विदेशी अवैध शराब के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो का GSLV-F10 EOS-3 मिशन फेल हो गया है। श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से आज सुबह 5:43 पर GSLV-F10 के जरिए धरती पर निगरानी रखने वाले उपग्रह EOS-3 को लॉन्च किया गया था। हालांकि कुछ देर बाद यह फेल हो गया। इसरो ने बताया कि मिशन आशंक रूप से विफल रहा है। इसरो के मुताबिक अगर मिशन सफल होता तो सुबह करीब 10:30 बजे से यह उपग्रह भारत की तस्वीरें लेना शुरू कर देता। बता दें कि फरवरी में ब्राजील के भू अवलोकन उपग्रह एमजोनिया 1 और 18 अन्य छोटे उपग्रहों के प्रक्षेपण के बाद साल 2021 में इसरो का यह दूसरा प्रक्षेपण है।
बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए डीटीवी भारत। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।